यार मैं ना सिग्नल पे खड़ा था, बाजू में एक पुलिस अंकल थे और मेरे को पता भी नहीं था, मैं गाना गा रहा था कि यार मेरे को ना किक बॉक्सिंग का ना बड़ा शौक है और वहाँ पे है वो ग्लव्स व्लव्स रखे हुए, तो थोड़ा मैं करके दिखाता आप लोगों को। वाओ मुबारक पहले तो। और ऐसा हुआ कि आज फिर मैं लेट उठा जुम्मा के दिन, मतलब यार 1-1 बजे में उठा और मेरी यहाँ नमाज छूट गई नहाने धोने में तैयार होने में। फिर मेरे को जाना पड़ा दूर मस्जिद में, वहाँ पे नमाज पढ़ा हूँ मैं, फिर वापस आया हूँ। पर यार बड़ी गर्मी थी आज बाहर, मतलब कल इतनी अच्छी बारिश हुई है, ठंडा मौसम था, सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था और आज हो गई धूप, बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो गर्मी लग रही है हमें। यस, तो इसी धूप में निकल के हमें जाना है अभी एक काम से, किसी से मिलना है, उस काम को निपटा निपटा के जो भी होगा देखेंगे। तो यस चलो चलते हैं, इसी के साथ हमारे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हॉस्टल आया था काम से, तो काम हम हो गया और यहाँ मेरी मुलाकात हुई है मकबूल भाई से, जो कि यहाँ काम करते हैं। मतलब यार दिन में ना हॉस्टल में काम करते हैं मकबूल भाई और रात में जाके बिल्डिंग पे, तो सोतेगा वो मकबूल भाई, तुम मकबूल भाई सोते होते नहीं है, 2-4 घंटे की नींद लेते हैं और रात भर भागते हैं, दिन भर भागते हैं। मजेदार हो यार, बहुत एनर्जी है तुम्हारे अंदर, तो नींद नींद नहीं आती है? आती है। कितने घंटे सोते हो? हाँ 4-5 घंटे। वाह भाई मकबूल भाई, सही है यार। चलो तो हमारा काम यहाँ से हो गया यार और अभी निकल के जा रहे हैं हम लोग, देखते कहाँ जाते हैं। बारिश का मौसम तो आ गया है और हमें बाहर बाइक पे घूमना पड़ता है, गाड़ी वाड़ी तो अभी यार चला नहीं रहे हम लोग, तो हम लोग लेने आ गए हैं विंडशीटर डीकैथलॉन में, तो भी यहाँ से विंडशीटर वगैरह लेंगे। और यार वैसे तो बारिश में भीगना अच्छा लगता है ना मेरे को, तो विंडशीटर क्यों लूँ मैं, पर कभी कभी काम पड़ जाता है, जरूरत पड़ जाती है भाई कि विंडशीटर पहन के जाना पड़ता है कहीं पर। तो यस, तो अभी हम लोग विंडशीटर लेने आए हैं और देखते हैं कोई अच्छा सा कलर मस्त मिलना चाहिए या फिर ब्लैक ही ले लेंगे, कुछ नहीं पसंद आता है तो ब्लैक पसंद आ जाता है, ब्लैक ले लेते हैं। यार मेरे को ना किक बॉक्सिंग का ना बड़ा शौक है और वहाँ पे है वो ग्लव्स व्लव्स रखे हुए, तो थोड़ा मैं करके दिखाता आप लोगों को। आओ सुल्तान कर दे चटाई। खत्म, बाय बाय टाटा। तो मैंने अपने लिए लिए ये शूज जो कि मैं बारिश में पहन के भी घूम सकता हूँ, जो खराब भी नहीं होगा। यार तिहामी के लिए यहाँ पर है बहुत सही रबड़ की बैग, ये देखो, ये मतलब ये बैग है, मतलब रबड़ है, मतलब तिहामी अगर मारे वारे का ना किसी को तो लगेगा नहीं बैग से, और अच्छा भी है, हल्का है, खेलेगा इससे, तो तिहामी के लिए ये ले लेते हैं। दो कलर है यहाँ पे, एक ब्लू और एक रेड, इसमें से कोई एक लेते हैं, देखते हैं कौन सा। या तो हमने ले ली है ये रेड कलर की बैग, ये ज्यादा अच्छी लग रही है ब्लू से, और बॉल भी है तो काफी सही है, ये लेते हैं, तिहामी खुश हो जाएगा। यार मेरे को अभी याद आया कि तिहामी के लेके जाऊंगा तो मुश्तबा रोएगा, वो परेशान होएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं अब कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं यहाँ पे दो कलर है, पहली बात तो एक है ब्लू और एक रेड, तो मैं तो रेड लिया तिहामी के लिए और ब्लू सोचा मुश्तबा के लिए, पर वो लोग दोनों ऐसे रोएंगे कि यार मेरे को ब्लू चाहिए मेरे को रेड चाहिए, तो मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, ले लेता हूँ दोनों रेड, एक ही सेम कलर के दो ले लेते हैं, वरना झगड़े वगड़े होंगे ना बहुत बवाल हो जाएगा फिर। तो हो गया ना फैसला, तो एक कलर के दो बैग ले लेते दोनों के लिए, लेट हो रहा है हमें, भागना है मेरे दोस्त को, भागना है, कैमरे में तो आता नहीं है, अच्छा अब आता है तो भाग जाता है। हाँ तो जब अभी बॉल से खेल रहे, देखिए बॉल से खेलते खेलते मार रहा है। चलो तो एक कलर के दो ले लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं फटाफट, ड्रिंक ले लिए हमने। तो यहाँ पर हुई हमारी शॉपिंग ख़त्म, हमने बिलिंग वगैरह की और निकल गए बाहर। तो बाहर बहुत सही मौसम था और ट्रैफिक एक है, नीचे इतनी ट्रैफिक और ऊपर खूबसूरत सा मंजर बादलों का, वाह 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 वाह, बहुत यार देख रहे हो। One hour later. यार मैं तिहामी के लिए लेकर आया बैग और घर पे तिहामी है ही नहीं, वो गया है मुश्तबा के घर पे। मतलब अच्छी बात है, दोनों भाई साथ में, दोनों भाई को साथ में जाके बैठ देंगे और रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। तिहामी तो मतलब यार मेरे को लगता है सबको मारेगा और मुश्तबा उसे खेलेगा, खुश हो जाएगा, तिहामी भी खुश होगा और झगड़ा करने लगेगा। यस तो चलो चलते हैं मुश्तबा के घर पे, देखते दोनों भाई को कैसा लगता है बैठ पा के। तो हम लोग मुश्तबा के घर पे आ गए हैं और तिहामी मुश्तबा दोनों यहीं पे है, दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए कि क्या है इसके अंदर, इसके लिए शॉपिंग नहीं है कुछ और है, आप एक्साइटेड हो देखने के लिए, एक्साइटेड है ये, तो इसको अभी देते हैं हम लोग बैट और इसका रिएक्शन देखते हैं ये। अरे वाह, मुश्तबा वहाँ पीछे भाग रहा है, मुश्तबा आपके लिए भी है ये देखो, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी 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 जल्दी, ये देखो भाई मुश्तबा, अरे इधर दिखाओ, इधर 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 इधर, ये तो भाग रहा है यार,
वाह, अभी देखते दोनों भाई खेलते हैं या झगड़ा करते, क्या करते हैं। ये देखो, ये तो तिहाम ही खेलना शुरू कर दिया है। ये देखो मस्त हो गया ये तो। अरे वाह, अरे आपका भी बॉल है इसमें, कहाँ है एक और बॉल, कहाँ है बाबू? ये देखो, ये लो आपका बॉल। अरे अरे वाह, चलो मैं बॉल डालता हूँ, आप खेलो। ओके, मैं बॉल डालता हूँ, आप खेलो। ये क्या, ये क्या, ये क्या? अरे वाह, लाओ तिहामी, तिहामी आप अपना बॉल दो, तिहामी को ये अपने बॉल से खेलो यार, ये तो उसके बॉल भी मार रहा है। अच्छा ये लो मुश्तबा, आप इससे खेलो। ये चलो 1 2 3। अरे 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 यार, थैंक यू तो बोलो तिहामी, थैंक यू बोलो। अरे वाह वेलकम, आप भी थैंक यू बोलो। ये तो भाई लगा हुआ है, ये अपने में लगा हुआ है, वो बेचारा बोला भी। A few moments later. तो भाई दोनों भाई तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, पर खुशी उनको इस बात की थी कि दो बॉल, दो बैट और एक आदमी को दो दो चाहिए, तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो, पर खेल रहे। चलो अच्छा है, जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ, वो लोग खुश हो गए। यस, तो भी हम जा रहे हैं बाहर, हमारे घर या फिर कहीं जाके आते हैं। ओहो भाई, तो बारिश हुई है, पता ही नहीं चला यार। मैं मतलब रूम में अंदर था और एसी ऑन थी, विंडो सब बंद थी, तो पता ही नहीं चला मेरे को कि बारिश हुई है। वाह यार, मिस कर दिया मैंने, अब भी निकला हूँ। देखो, देख रहे हो, मतलब यार सही था, सही था। कोई नहीं, शायद अभी वापिस हो, देखते हैं। यार मैं ना सिग्नल पे खड़ा था, बाजू में एक पुलिस अंकल थे और मेरे को पता भी नहीं था, मैं गाना गा रहा था कि कौन सा गाना गा रहा था यार, मैं कोई तो गाना गा रहा था, मैं पता नहीं कौन सा गाना गा रहा था, कौन सा गाना गा रहा था यार, याद दिलाओ, याद दिलाओ, जल्दी याद दिलाओ। मैं गाना गा रहा था कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तुम्हें बहुत स्लो गा रहा था, मतलब 10 की वॉल्यूम पे गा रहा हूँ भाई, एकदम स्लो से, समझ में मेरे मन से ही आ रहा था। मैं मेरे दोस्त ने सुना, तुमने नहीं सुना था ना, इसने भी नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, बाजू में पुलिस वाले अंकल थे, वो मेरे साथ गाने लग गए, मतलब उन्होंने भाई मेरे साथ दे दिया। मैंने बोला अरे यार आपने सुन लिया, हाँ तो बस गाना गा रहे हो। अरे वाह भाई, मैं शर्मा गया यार, वहाँ शर्मा गया मैं। अभी बारिश वारिश के मौसम में ना थोड़ा सा ऐसा है कि भूख लग जाती है, तो भूख भूख लगती है तो यार मेरा मन करता है खाने का। मैं नहीं मानता, हर किसी करता है। यस, तो अभी हम लोग घूमते घूमते यहाँ मैकडॉनल्ड्स पे आए, मैकडॉनल्ड्स पे हमने ऑर्डर कर दिया है, अंदर बैठ के खाना तो बंद है भाई, मतलब हैविंग इज नॉट अलाउड, क्योंकि टाइम हो गया थोड़ा सा, 12 बज गए हैं तो बंद है, टेक अवे चालू है, तो हम ले लेंगे बैग वैग में, यहीं पे बैठ के खा लेंगे बाइक पे, क्या है, बर्गर ही तो है, कोकी तो है, पी लेंगे, निकल जाएंगे। यस, तो इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का, आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का मेरे इस ब्लॉग को देखने के लिए, तो आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।